Hey guys, welcome back to my channel. This is Roji here. So today in this video we are going to make rice water for our face. हाँ वही चावल के पानी के बारे में बात कर रही हूँ मैं जो हम रोज़ ही चावल धो के हम पानी को फेंक देते लेकिन यही चावल के पानी सालों सालों से इन अ कंट्री लाइक चाइना जापान कोरिया यूज़ होते आ रहा है एंड इसका बहुत सारे बेनिफिट है जैसे कि ये स्किन को हेल्दी बनाता है ग्लोइंग रेडियंट एंड एजलेस रखने में मदद करता है ओके तो चलिए हम भी ट्राई कर लेते हैं अपने लिए ज़रूर बनाइए लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आए कि इसे यूज़ कैसे करना है ओके तो चलिए बनाते हैं चावल के पानी राइस वाटर सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो फ्रेंड्स बना लेते हैं अब हमारी राइस वाटर तो राइस वाटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कुकिंग राइस मेरा वाला कुछ भी रेगुलर कुकिंग राइस चलेगा आपके पास जो भी राइस है वही चलेगा वही यूज़ कर लीजिए और इस पर मैं डाल रही हूँ पानी और पानी देके हम इसे अच्छे से साफ करेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी कुछ भी इम्प्योरिटीज है वो एक बार उठ के चले जाना चाहिए तो एक बार हम इसे अच्छे से धो के साफ कर लेंगे फिर राइस को हम यूज़ करेंगे सो अच्छे से धो लिया साफ़ हो गया अब हम इस पर डालेंगे पानी पीने वाला पानी क्लियर वाटर जो है हम इस पर डालेंगे और इसे भिगो के रखेंगे 2 घंटे तक ओके अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप ओवरनाइट भिगो के रख सकते हैं सोने से पहले भिगो के रखें सुबह उठ कर यूज़ करें वो और भी अच्छा रहता है अगर टाइम नहीं है तो 2 घंटे इज इनफ 2 घंटे आप आराम से भिगो के रखें और यूज़ करें सो गाइस ये देखिए 2 घंटे हो गए और पानी का कलर देखिए इसने पूरा पानी का कलर चेंज हो गया है ये प्लेन वाटर जो दिया था आप मिल्के हो गया है तो ये यूज़ करने के लिए एकदम रेडी है अब मैं इसको दूसरी बाउल में डालूँगी फिर हम देखते हैं सो मैंने यहाँ पे डाल रही हूँ ग्लास में रख रही हूँ मैं अगर आपके पास कोई फेशियल स्प्रे बॉटल है तो आप स्प्रे बॉटल में रख सकते हैं उससे बहुत इजी होता है यूज़ करने में नहीं है तो कोई बात नहीं है तो आप किसी में भी स्टोर कर लीजिए ढक लीजिए फ्रिज में घुसा लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सो गाइस हमारे पानी इज़ रेडी टू बी यूज्ड तो इसे आपको स्टोर करने के लिए आपको इसे फ्रिज में 5 से 6 दिन तक आप रख सकते हैं और 2 दिन तक यूज़ कर डालें तो बहुत अच्छा है अगर आप रोज़ का रोज़ बना पाए तो वो और भी बेहतर रहता है फ्रेश इज़ ऑलवेज बेस्ट ना तो चलिए आप यूज़ करते हैं सो इसको यूज़ करने से पहले अच्छे से फेस धो लिया फिर कॉटन मल लिया और पानी में डिप किया अच्छे से लगा लेना है एक बार लगा लिया आप 2 मिनट रख लो ये सूख जाएगा फिर उसके ऊपर से डबल अप्लाई करना है उससे रिजल्ट अच्छे आएगी और 15 से 20 मिनट आपको फेस पे रख लिया फिर उसके बाद प्लेन वाटर से आपको धो लेना है और उसके बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर एकदम स्किप नहीं करना उससे बहुत अच्छा होता है फेस के लिए फिर उसके बाद आपको 1 दिन 2 दिन लगाकर रिजल्ट नहीं मिला ऐसा नहीं है आपको इसे कंटिन्यू 15 से 20 दिन लगाए रिजल्ट आपको ज़रूर दिखाई देगी सो दोस्तों वीडियो का अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग